Hi. 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 This is Kapil Singh. Fakir Singh? Who? Kapil Sharma. Huh? This is my friend. Okay. Archana Ji. Yes, sir. This is my friend. Okay. Pankaj Sir. Yes, sir. This is my friend. Yes, yes, absolutely. Kunal. This is my friend. Are you sure? You are so bad. Yes, sir. हम उतने भी गंदे नहीं हैं जितना गंदा आप ये कबीर सिंह का एक्टिंग कर रहे हैं हम जा रहे हैं प्रीति प्रीति मेरी बात सुनो प्रीति आप प्रीति नहीं हैं पुरुषोत्तम हैं हम पुरुषोत्तम और गाड़ी भी अपना ले जा रहे हैं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मेरी बात तो सुनो बाइक भी लेकर गया होय 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 शायद सर सॉरी चलो अगर रिवील हो ही गया है कि मैं शाहिद कपूर नहीं हूँ अच्छा आप रिवील हुआ है एक्चुअली मुझे पता है मैं तो सोच रहा था शाहिद कपूर तो यहाँ ये कौन बैठा है वाह वाह क्या है ये यार ये मेरी तैयारी है शाहिद सर कबीर सिंह आपकी फिल्म थी ना सुपरहिट तो हमारे पंजाब में जगीर सिंह बन रही है उसका मेन लीड मैं कर रहा हूँ अच्छा तो मेरे जो ऑपोजिट जो हीरो ना वो मिल नहीं रही कि मान नहीं रही कोई तो एक ही बात हो गई चंदू तेरे को शर्म आती है थोड़ी सी कि नहीं कोई शर्म नाम की चीज है कहाँ से लगता है तू शाहिद कपूर कबीर सिंह कहाँ से लगता है यार ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी में थोड़ा तो फर्क होता है कि नहीं तू फर्स्ट कॉपी नहीं तू वर्स्ट कॉपी है सर इसमें ना ये आदमी में ये मेरा बचपन का दोस्त है सर जी स्कूल का अमृतसर के टाइम से शर्म नाम की इसमें कोई चीज ही नहीं है मतलब कोई फर्क नहीं है चश्मा निकाल के बैठे इधर तो शर्म नाम की कपूर शर्मा चीज होती भी नहीं शर्म तो सर एक वर्ड होता है वैसे भी सर यहाँ पर मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ अच्छा। क्योंकि मैं भी आपकी तरह थिएटर में जैसे अपना पाँव जमाना चाहता हूँ सर पाव नहीं साथ में बड़ा भी रख समोसा रख साथ में खाली पाव से कुछ नहीं होगा तू दो चार पैसे कमा जाके एक्चुअली पता कि ये ऐसे बोलता रहता है मैं थोड़ा ना मेथड एक्टर हूँ लेकिन ये समझता नहीं है मेथड एक्टर बहुत बड़ा है सर ये एक बार इसको एक रोल मिला रिक्शा वाला का 6 महीने उसके घर में रहने चला गया उसके बाद डायरेक्टर का फोन आया कल से शूटिंग चालू है 9 बजे आया ना कहता है 9 बजे ना थोड़ा लेट करो 10 बजे तक तो मेरी 2 सवारियां ही छोड़ने जानी इतना मेथड एक्टर है ये उसको मजा आने लग गया ऐसी कोई बात नहीं पंकज सर एक्चुअली वो मैं ना कैरेक्टर में थोड़ा डीप चला गया था तो इसलिए ऐसी चीज हो गई है अदरवाइज मेरे अंदर ना सर एक ना एक्टिंग का ज्वालामुखी है सर आप सर उसको प्लीज दिशा दे दीजिए दिशा नहीं तू शीशा देख तो पंकज सर के सामने डायलॉग वाला तो बोलना ही मत झट से पकड़ लेंगे खुद तुझे कुछ नहीं कहेंगे तुझे नसीर साहब से बिटवाएंगे वो सर ये ना हमें इधर बात नहीं करने देगा आप एक काम कीजिए आप मेरे अपार्टमेंट में आइए तो वहां बैठते हैं हम बस उधर ही सर बिल्कुल कभी जाना भी मत ये अपार्टमेंट बोलता ना जो है नहीं रेलवे के कंपार्टमेंट में रहता है ये मेरे को एक बार इसने डिनर पे बुलाया डिनर शुरू हुआ मुंबई में खत्म हुआ आगरा आ चुका था ऐसा आदमी है ये आधा किलो के मुंह पे 1.5 किलो बाल लगा के आ गया तू ऐसा लग रहा है किसी ने कबीर सिंह को सारी रात भिगो के रखा सुबह निचोड़ के सामने रख दिया ओह सर ऐसी कोई बात नहीं आप वहां पर आए एम्बियंस बहुत प्यारी है सर वहां की बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं वहां पे वहीं पे तो रहता है पेड़ों पे ये रोज प्रैक्टिस करता पता है ऐसे ऐसे चलने की मैं कहा ऐसे ही करता है कहता मैंने इंसान से वापस बंदर बनना है मैं कहा क्यों कहता क्या फायदा इंसान बनने का किले खरीद के खाने पड़ते हैं ये वो सब पुरानी बातें कपू शर्मा पिछले सोमवार की है तो पुरानी हुई फिर तो अब क्या अब कहाँ रहता तू अब मैं बैंड्रा शिफ्ट हो गया हूँ बैंड्रा पे स्टेशन पे ही ना तो स्टेशन बैंड्रा में नहीं आता हद हो गई यार शायद सर मुझे एक बात मैं आपको बताता हूँ स्टेशन पे रहने के फायदे बड़े हैं बंदा बोर नहीं होता रेलगाड़ी के आप डिब्बे गिनते जाओ आपका दिन निकल जाता है और रात को रात वाली गाड़ी के गिनते जाओ तो ये जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे मेहमानों को दी है इनका वो क्या करें तो मैं क्या करूं फिर इस जानकारी का मैंने भी तो कहीं ना कहीं देनी है ना जानकारी यार कपूर शर्मा तुमने बातें सुनी नहीं कहावतें बनी हैं हर कुत्ते का दिन आता है आपको पता है जब से इसने ये कहावत सुनी है पंकज सर इसने 4 कुत्ते पाल लिए चारों को दोनों टांगों से पैरों से मसाज दे रहा था मैं कहा ये क्या कर रहा है कहता क्या पता किसका दिन पहले आ जाए जिसका पहले आ गया मैंने उसके साथ शिफ्ट हो जाना कहता है ये हरकतें करता है कपूर शर्मा किसी खड़े आदमी ने कहा है कि अपना जो फोकस है ना आपकी मंजिल पर होना चाहिए खड़े आदमी ने बड़े आदमी ने कहा बड़ा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है ये देखो आपको पता पंकज सर ये सब जो बातें बोलता है ये सुनने के हमें चैनल कुछ नहीं देता वैसे सुनते फ्री में सुनते हैं
सर आपने वो रोल किया था, मुझे ये बताइए वो मैं क्या करूं उस रोल के लिए, वो जगीर सिंह कुछ नहीं करना, तू परफॉर्म करके दिखा दे, वो अपने आप किसी और को कास्ट कर लेंगे। सर मेरे को अगर एक मौका मिल जाए ना तो मैं एक्टिंग के छक्के छुड़ा दूं सर। पहले अपने दादा को छुड़ा, जेल में बैठा है जाके, एक्टिंग के छक्के छुड़ाएगा तू, फिर जेल में चले गए। अच्छा उनका भी पता नहीं चलता सर कब बाहर आते हैं कब अंदर जाते हैं। वो सर स्मार्ट बैठे थे, वेकेशन पे गए होंगे। वेकेशन पे स्मार्ट तो बहुत है, आपको पता है इसके दादा ना सर नकली चाबियां बना लेते थे, खुद जेल में थे, खुद ही नकली चाबी बनाई, जेल का ताला खोल के भागा नहीं, जेलर के पास चला गया, कहता मैंने चाबी बनाई इसके पैसे दे दो, फिर पकड़े गए। अब काम तो काम होता है ना सर, अब सर गधा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? गधा नहीं घोड़ा, घास से घोड़े होते तो भागना जाते। वैसे पता क्या जिंदगी में सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इसके चढ़ाव कभी आया नहीं, उतार ही उतार आते हैं। कोई भी सामने चाहता ओए मेरा चश्मा उतार, ओए मेरी घड़ी उतार, तेरा चढ़ाव कभी आया? हाँ तो सर जिसने दिए वो वापस भी तो लेगा ही। इसने कार ले ली शायद भाई काम कर करके, पर हरकते नहीं जाती, कार में जा रहा है सिग्नल के रेड लाइट हुई, अपनी कार से उतर के दूसरे कार को मांगने लगता है। हरकते छोड़, एटीट्यूड लेके आना अंदर। सर चक्कर पता क्या है, इसने ना जो हमारी जो मेन बात है ना वो इधर नहीं होने देनी, मैं आपको बाहर सिग्नल पे मिलता हूँ। देखा। मैं जा रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। ओके For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.